ओके, आज अपने को चालू करना है टॉपिक सॉइल। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि सॉइल है क्या है। अपनी ये जो अर्थ है, अरे बेटा मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। अपनी ये जो अर्थ है, ये अलग-अलग लेयर्स की बनी है। सबसे अंदर कोर है, बाद में मेंटल है, ठीक है, सबसे ऊपर क्रस्ट है। जो अर्थ की ये जो सबसे ऊपर वाली ये जो लेयर है ना, जिस पे अपने खड़े हैं, जिस पे अपने खेती करते हैं, जिस पे अपने मकान बने हुए हैं, ये वाली जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट की, यही है सॉइल। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, यही है सॉइल। अब देखो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको सॉइल की डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज सॉइल? द अर्थ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एक्चुअली ये किस चीज की बनी होती है? रॉक्स की, एंड ये बनी होती है बायोलॉजिकल मैटर की। देखो, इससे पहले कि हम आगे की समझे, पहले हमें ये समझना पड़ेगा सॉइल बनती कैसी है। हाउ इज सॉइल फॉर्म? सॉइल बनती कैसे? कोई बताएगा सॉइल कैसे बनती है? नहीं आइडिया? ओके, बेटा सॉइल दो चीजों से बनती है। एक तो है वेदरिंग, और दूसरा है ह्यूमस फॉर्मेशन। वेदरिंग में क्या होता है? एक्चुअली जो सॉइल है ना, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर्स की बनी है, बहुत बड़े बड़े रॉक्स की बनी है। होता है क्या है, ये जो बड़े बड़े रॉक है इनके ऊपर बारिश गिरती है, हवा चलती रहती है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो होता है क्या है, धीरे धीरे इन रॉक्स के अंदर तरेड़ आ जाती है। तरेड़, चलो मेरे को ये बताओ, अगर मेरे हाथ में एक कांच का ग्लास है, उसमें मैंने गर्म पानी डाला, बहुत गर्म पानी, और फिर एकदम बहुत ठंडा पानी डालूंगा तो क्या होगा? तो क्या? अरे वेपर नहीं, ग्लास, कांच का ग्लास टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ। याद रखो, विंड, रेन, टेम्परेचर चेंज, स्नो, ठीक है, होगा क्या, जब ये चीजें लगातार किसी पत्थर पे पड़ती है तो पत्थर के अंदर सविशेष या फिर तरेड़ पड़ जाती है, और टाइम के साथ साथ ये पत्थर टूटने लगेगा, और करते 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 ये और छोटे पत्थरों में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये करते करते सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। पता चला कि नहीं? यस और नो? तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं वेदरिंग। इसमें रॉक में से किस में कन्वर्ट हुआ? सॉइल में। लेकिन याद रखना, वेदरिंग में थाउजेंड्स, हजार हजार, 10,000 साल लगते हैं, तब जाके रॉक कन्वर्ट होता है वेदरिंग से सॉइल के अंदर। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? और दूसरी चीज है ह्यूमस फॉर्मेशन। दूसरी चीज है ह्यूमस फॉर्मेशन। याद रखना, ये सिर्फ सॉइल रॉक के टुकड़ों से नहीं बनी है। सॉइल के अंदर क्या है, प्लांट्स, जो प्लांट्स मर गए होंगे, या फिर जो एनिमल्स मर गए होंगे, या फिर जो प्लांट्स के पत्ते हैं, या फिर जो गोबर ऊपर है, काउ डंग है, ये क्या होता है, स्लोली स्लोली डिकम्पोज होके, ये स्लोली स्लोली डिकम्पोज होके मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ये जो डिकम्पोज होके मिट्टी में मिलता है उसको कहते हैं ह्यूमस। तो ये दोनों चीजों को मिलके बनती है सॉइल। मिट्टी के दाने प्लस उसके अंदर ये जो बायोलॉजिकल नेचुरल कचरा है ह्यूमस, ये दोनों चीजें मिलके बनाती है सॉइल। और याद रखना, सॉइल इज ए वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग रिसोर्स। सॉइल को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आज ये जो अपने पास सॉइल है ना, इसकी फॉर्मेशन आज से हजारों साल पहले शुरू हुई है, तब जाके ये सॉइल बनी है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? तो सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्यों? सॉइल को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसलिए। ठीक है, अब देखो सॉइल क्या है, सॉइल कैसे बनी। अब क्या है, चलो ये सॉइल बनी, अपने जो सॉइल बनी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों?
हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? प्लांट्स चाहिए। प्लांट्स कहाँ? सॉइल में उगेंगे। यस और नो? खेती करते हैं एग्रीकल्चर सॉइल पे। एक्चुअली जो सॉइल है ना उसकी वैरायटी बहुत अलग अलग है। सॉइल की जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत अलग अलग चीजों को मिलके बनी है। वो किस किस चीज को मिलके बनी है? ग्रेवल, सिल्ट, सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर वेपर, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें मिलके सॉइल बनाती है। याद रखना सॉइल हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्यों? एक तो प्लांट्स इस पे उगते हैं। सॉइल है तो प्लांट्स उगेंगे, प्लांट्स उगेंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी। सॉइल है तो एग्रीकल्चर होगा। ये दो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है ये किसकी वजह से? सॉइल की वजह से। अगर सॉइल नहीं बनी तो कभी भी रॉक के ऊपर तो खेती होगी नहीं। तो ये जो सॉइल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये रिसोर्स कैसी चीज है? एयर हो गया, वाटर हो गया, लेकिन इसको बनने के अंदर हजारों साल लगते हैं, तब जाके अलग अलग वैरायटी की सॉइल प्रोड्यूस होती है। और एक बहुत ही अच्छी चीज क्या है कि ये जो सॉइल का ये जो कॉम्पोजिशन है ना, वाटर वेपर, सिल्ट, सैंड, क्ले, ह्यूमस, अलग अलग जगह पर ये कॉम्पोजिशन अलग अलग है, जिस वजह से मिट्टी अलग अलग होगी और जिस वजह से एग्रीकल्चर या प्लांट्स अलग अलग वेरायटी के उगते हैं। तो सॉइल की इतनी वेरायटी है इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स इतनी वैरायटी में, इसलिए हमारे पास इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब क्या हुआ? अरे यस और नो? सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये बनती कैसे, क्या है, वो तो हमें पता चल गया। अब होता क्या है? ह्यूमंस क्या करते हैं इसको देखो। ह्यूमंस को रहने के लिए क्या चाहिए? हाउस चाहिए। ह्यूमंस करता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए जंगल काट देता है। ह्यूमन फॉरेस्ट कटिंग करता है। ह्यूमन फॉरेस्ट कटिंग करता है। अगर देखें तो इनका तो मिट्टी से क्या लेना देना? ये सर हाउस का, एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट कटिंग है, मिट्टी से क्या लेना? बहुत जरूरी चीज है। हाउस में जमीन पे बना हुआ तो मैं जंगल काटूंगा और वहां घर बना दूंगा। एग्रीकल्चर के लिए मैंने जंगल काटा और प्लोइंग कर दी, मतलब मैंने मिट्टी को लूज कर दी है। खेती जितनी ज्यादा करोगे उतनी आपकी मिट्टी लूज होती जाएगी। क्यों? खेती के लिए लूज मिट्टी जरूरी है। फॉरेस्ट कटिंग, जंगल मैंने जो थे वो तो मैंने काट दिए। अब होगा क्या? मैंने ये सारी चीजें तो कर दी, लेकिन ये जो ऊपर की लेयर है अभी मिट्टी की, अब क्या होगा? जब विंड्स आएगी या फिर फ्लड आएगी, ठीक है, तो होगा क्या? क्योंकि मैंने पेड़ काट दिए तो मिट्टी को पकड़ के रखने वाली चीज, पेड़ क्या करता है? मिट्टी को ग्रैब करके रखता है। मैंने पेड़ काट दिया, मिट्टी को पकड़ के रखने वाली चीज है ही नहीं। मैंने खेती कर ली जिस वजह से मैंने प्लोइंग किया, प्लोइंग की वजह से मिट्टी कैसी हो गई? लूज। तो होगा क्या? जब विंड्स आएगी या फिर फ्लड आएगी या फिर वाटर का फ्लो आएगा तो ये ऊपर की लेयर जो है ना मिट्टी की, उसी के साथ चली जाएगी और इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इरोजन। और इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन इज वॉशिंग आउट ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन मतलब जो एकदम टॉप लेयर है ना मिट्टी की, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जब चली जाती है या तो विंड्स के साथ या फ्लड के साथ, उस चीज को सॉइल इरोजन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ये तीन चार चीजें हैं जिस चीज की वजह से सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से सॉइल इरोजन हुई, तो सॉइल इरोजन का इफेक्ट क्या हुआ? चलो सॉइल इरोजन हो गए तो हो गए, इसमें क्या है? सॉइल इरोजन से क्या इफेक्ट होता है? सॉइल इरोजन से बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ये मान लो मिट्टी है, अगर अपर मोस्ट लेयर नहीं रहेगी मिट्टी की तो उसके अंदर ह्यूमस नहीं रहेगा या फिर फर्टिलिटी नहीं रहेगी। क्यों? वो जो डिकम्पोज्ड मटेरियल है, जो इसके अंदर मिनरल्स मिनरल्स है, वो सब तो बह के चले गए, फर्टिलिटी
फर्टिलिटी नहीं रहेगी तो इधर खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, फैमिन। फैमिन मींस शॉर्टेज ऑफ फूड। अगर सोयल एरोजन किसी एरिया में ज्यादा हुआ तो वहां खेती नहीं कर सकते, क्यों, जो ठीक है। अगर मान लो कि सोयल इरोजन ज्यादा, सोयल इरोजन अगर ज्यादा होगा तो वहां पर आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इसलिए फैमिन होगा। फैमिन मींस शॉर्टेज ऑफ फूड, खेती नहीं होगी तो खाना कहां से आएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है। सेकंड चीज, वहां पर प्लांट्स उगना बंद हो जाएंगे, क्यों, प्लांट्स उगने के लिए सॉइल चाहिए, अब जब प्लांट्स नहीं उगेंगे तो वहां हरियाली हट जाएगी और डेजर्ट आ जाएगा और वहां का डेजर्टिफिकेशन होने लगेगा, क्या होने लगेगा, डेजर्टिफिकेशन। प्लस वहां पर फ्लड्स अगर आएगी, अगर गलती से वहां फ्लड आई तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। प्लांट्स और पहले क्या करते थे, जो फ्लड आ रही है उसकी स्पीड को रोक लेते थे, बैरियर का काम होते थे, ठीक है। अब कोई बैरियर है नहीं, वो बड़ी फास्ट स्पीड में जाएगी अपने साथ हर एक चीज को लेके जाएगी और फ्लड का इफेक्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ सोइल इरोजन, ठीक है। देखो अब क्या है, अगर मान लो कि ये सारी सारी चीजें हो रही है, सॉइल इरोजन हो गया है, बहुत सारी दूसरी तकलीफ, अब हमें क्या है कि सॉइल को बचाना होगा। चलो सॉइल एक ऐसा रिसोर्स है, एक बार वहां की देखो, एक और चीज है जिसको कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। इसका तो मुझे डिग्रेड का मतलब राम बताएगा, राम डिग्रेड मतलब क्या होता है, राम राम है ना क्लास में ऑनलाइन, राम राम आई थिंक वो चला गया। डिग्रेड का मतलब कौन बताएगा, डिग्रेड मतलब क्या होता है, किसी को डिग्रेड मतलब पता नहीं, डिग्रेड मतलब क्वालिटी डाउन हो जाना। देखो होता क्या है, मान लो ये मेरी सॉइल है, चलो इसका इरोजन तो नहीं हुआ, इसका इरोजन तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या, मैं यहाँ पे खेती करता हूं इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाल दिए, फर्टिलाइजर्स डाला जिस वजह से मिट्टी में क्या ऐड हो गए, केमिकल, जिस वजह से जो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो मर गए। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमस बनाते थे, याद रखना जितना मिट्टी में ह्यूमस होगी उतनी ज्यादा वो फर्टाइल होगी। फैक्ट्रीज का वेस्ट आया यहाँ पे डाल दिया, सॉइल की और क्वालिटी डाउन हो गई, तो सॉइल डिग्रेडेशन में तो हो सकता है कि मैंने इरोजन से तो बचा लिया लेकिन उसकी क्वालिटी भी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर आप खेती करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप उसके अंदर हर वक्त फर्टिलाइजर मत डालो। दूसरी चीज, सॉइल का मतलब ये नहीं कि आप उसमें कोई भी चीज मिक्स कर दो, आपको सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, मीन्स उसको नेचुरली वैसे ही रहना देना पड़ेगा। सॉइल होना और उसकी क्वालिटी होने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, जब हम सॉइल, भले ही हमारे पास सॉइल है, इरोजन नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर ऐसी चीजें डाल दी जो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, जो उसको क्या कर दिया, पॉल्यूट, तो भी वो अपने काम के नहीं रहेगी, उसमें कुछ नहीं उगेगा। तो हमें क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी और उसके अंदर एक्स्ट्रा पॉल्यूटेंट्स डालने नहीं है। समझ में आ गया, यस और नो? अब करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम करने वाले हैं बायो जियो केमिकल साइकल्स। बायो जियो केमिकल साइकल्स ये क्या चीज है, इससे पहले कि मैं कुछ भी करूं, हम सब लोग बायोस्फेयर में हैं। बायोस्फेयर क्या है पहले समझो, बायोटिक एंड अबायोटिक, मतलब अपने आजू बाजू में, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, दोनों है, यस और नो? अपने आजू बाजू में दोनों चीजें है ना, बायोस्फीयर बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों थिंग्स को लेके बनता है, याद रखना ये दोनों एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है,
दो चीज के हिसाब से, या तो ये आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं, मैटर, कोई सामान एक्सचेंज करेंगे। जैसे मैंने ऑक्सीजन ले ली बाहर से एनवायरनमेंट से, ऑक्सीजन नॉन लिविंग है और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? या तो ये कोई मैटर एक्सचेंज करेंगे या फिर ये एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। कैसे? सनलाइट नॉन लिविंग थिंग है लेकिन प्लांट एक लिविंग थिंग है, प्लांट उस सनलाइट को लेगा, मतलब प्लांट लिविंग है लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग से एनर्जी लेगा। तो याद रखना बायोस्फेयर के अंदर बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में बहुत खतरनाक रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। क्या करते हैं, या तो ये कोई मटेरियल एक्सचेंज करते हैं या फिर एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अभी अपने दो तीन साइकिल्स पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ, यस और नो? अब सबसे पहले वाटर साइकिल, जिसको हाइड्रोलिक साइकिल भी कहते हैं। देखो वाटर साइकिल बहुत जरूरी है, याद रखना वाटर जो है वो तीनों फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है। देखो मैं पहले बोला, जैसे कि मान लो ये सी है, सनलाइट पड़ी जिस वजह से यहां से क्या हो गया, वाटर उड़ के गया और इसका हो गया इवापोरेशन। देखो अब पानी एटमॉस्फेयर में गया, प्लांट है उसको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, तो उसने कहां से ले लिया, ग्राउंड से। याद रखना ये जो वाटर साइकिल मींस कोई चीज कहीं से शुरू हुई, घुमा फिरा के वहीं पे आ गई, और जो उसने पूरा प्रोसेस किया ना, बीच बीच में लिविंग थिंग्स ने अपना काम निकाल लिया। जैसे कि ये ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर ट्री ने लिया खुद के जिंदा रहने के लिए, प्लस थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट में छोड़ दिया ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में, ये भी वेपर बन के चला गया ऊपर। ऊपर गए, ठंडा हुआ इन्वायरमेंट, कंडेंसेशन हुई और ये क्लाउड्स बन गए। ये क्लाउड्स कहीं पे जाके या तो स्नो बन जाएंगे या फिर रेन हो जाएगी। जब रेन होगी तो ये पानी या तो रिवर के अंदर आ जाएगा, अब रिवर के अंदर है तो क्या है, इसको एनिमल्स पी लेंगे, एनिमल्स का काम हो गया। देखो ये साइकिल हो रही है तो क्या, दोनों का बैलेंस बना हुआ है। अगर मैं पेड़ पूरे काट दूंगा ना ये पेड़, तो ये क्लाउड नहीं बन पाएंगे। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं, ये एक बैलेंस है बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स का। ये रिवर में था तो एनिमल्स ने ले लिया, पानी पॉन्ड में गया तो वहां फिशेज और ने यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या है, एनिमल्स वापस भी इन्वायरमेंट में पानी छोड़ देंगे, या तो वो यूरिन कर देंगे या फिर वो स्वेट कर देंगे, स्वेटिंग कर देंगे, ठीक है। प्लस जब वो डेड हो जाएंगे तो उनकी बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो भी इन्वायरमेंट के अंदर मिल जाएगा। अब रिवर से वापस पानी सी में आ गया, प्लस काफी सारा पानी वापस ग्राउंड वाटर बन जाएगा। अब क्या है, ये प्रोसेस यहां तक आई, फिर से इसको ये ट्रांसपीरेशन की मतलब पीने के लिए रूप से प्लांट लेगा, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन होगी, फिर से साइकिल चालू रहेगी। जो बारिश होती है ना उस प्रोसेस को हम प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन। तो एक्चुअली क्या है, जो वाटर है वो एयर, मतलब एयर वाटर एंड स्नो तीनों फॉर्म में ट्रेवल करता है, और बीच बीच में लिविंग थिंग्स को जहां जहां पे मौका है चाहिए होता है वो ले लेते हैं। समझ में आ गया, यस और नो? अरे आवाज नहीं है, तो ऐसे कैसे बैठे हो तुम लोग? अब सेकंड नंबर की जो साइकिल है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन साइकिल। एक बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल में तुमको दो चीज याद रखनी पड़ेगी, एक है निट्रिफिकेशन और दूसरी है डी निट्रिफिकेशन। देखो याद रखना नाइट्रोजन
बहुत एयर के अंदर बहुत ज्यादा पानी वाले, सबसे ज्यादा ये नाइट्रोजन गैस है, लेकिन ये लिविंग थिंग्स के काम की नहीं है। होता है क्या है, जब लाइटनिंग होती है ना, बारिश के टाइम लाइटनिंग होती है, यस और नो, तब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है, तब ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, प्लस ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके बन जाएगी नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड बनके मिट्टी में आ गया। एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है, कुछ एक प्लांट्स होते हैं जिनको कहते हैं लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनकी जो रूट होती है ना उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करेगा, हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट के अंदर, नाइट्रेट के अंदर। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ये नाइट्रोजन, देखो निट्रिफिकेशन किसको कहते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस किसमें कन्वर्ट होगी, या तो वो कन्वर्ट होगी अमोनिया के अंदर, या वो कन्वर्ट होगी नाइट्रेट के अंदर। जब ये अमोनिया और नाइट्रेट मिट्टी में मिल जाते हैं ना, तब ये काम की चीज बनेगी। क्यों, तब क्या करेंगे, प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को लेंगे, ठीक है, और प्लांट्स यूज करेंगे। मैं प्लांट को खाऊंगा, मेरी बॉडी के अंदर नाइट्रेट प्रोटीन बनाएंगे। तो देखो कैसे ये एनवायरनमेंट से घूमते घूमते लिविंग थिंग्स के अंदर आ गए। अब क्या होता है, जब एनिमल्स यूरिन करते हैं, यूरिन, तो ये जो नाइट्रेट या न्यूट्रिक एसिड या अमीनो एसिड है, ये फिर से जमीन में मिल जाएगा। जब ये बॉडीज मर जाएंगे, वो डिकम्पोज हो जाएगी, फिर से ये जमीन में मिल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? तो अब देखो ग्राउंड में क्या है, नाइट्रेट एंड अमोनिया, नाइट्रेट एंड अमोनिया। अब होगा क्या, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको नाइट्रेट और अमोनिया से फिर से नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और फिर से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आ जाएगी, और इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहेगी। समझ में आ गया, यस और नो? अब है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में तुम्हें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, एक तरफ मैं लिख देता हूं फोटोसिंथेसिस, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। अब देखो होता क्या है, ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट की है वो अपने लोग यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सारी लिविंग थिंग्स, यस और नो? तो एक तरफ ऑक्सीजन कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्लांट्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन मोर करते हैं। मतलब देखो याद रखना, सबसे बड़ा बैलेंस यहां बनना जरूरी है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। जितनी ऑक्सीजन ओवरऑल रेस्पिरेशन में जा रही है एनवायरनमेंट में, उतनी ही ऑक्सीजन रिलीज हो जानी चाहिए फोटोसिंथेसिस की वजह से, यस और नो? लेकिन अब यहां पर एक्ट करता है ह्यूमन और अदर चीजों का रोल। ऑक्सीजन गैस चाहिए कंबशन के लिए, कंबशन में समझते हो जलाना, आग जलानी हो, पेट्रोल जलाना हो, फैक्ट्रीज में कोई भी चीज जलानी हो, तो क्या यूज होगी, ऑक्सीजन गैस यूज हो गई, यस और नो? प्लस ऑक्सीजन चीज रिएक्ट करके बना लेती ऑक्साइड, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मेटल हो गया, इनका रस्टिंग होता है, यस और नो? तो ये सारी के सारी चीजें क्या यूज करती है, ऑक्सीजन। लेकिन ये जब कंबशन हो जाता है, रेस्पिरेशन हो जाता है, इसके किसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ओवरऑल जो यूज है ऑक्सीजन का वो बहुत ज्यादा है। और इसमें सबसे बड़ा ये जो चीज है, ये ह्यूमंस यूज करते हैं कंबशन के लिए, फैक्ट्रीज हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, रात दिन ऑक्सीजन यूज होता है, इसीलिए ये बैलेंस बनना मुश्किल हो जाता है। क्यों, ऑक्सीजन जिन मान लो कि 10 मीटर क्यूब रिलीज हुई और अगर 15 मीटर क्यूब यूज हो गई, तो ओवरऑल तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, बाकी गैसेस ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? इसलिए प्लांट्स लगाना बहुत जरूरी, क्यों, ऑक्सीजन को यूज करने वाली प्रोसेस बहुत ज्यादा है, रेस्पिरेशन ओके है, लेकिन ह्यूमंस ये चीज बहुत ज्यादा कराते हैं कंबशन।
इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए आपको प्लांट्स लगाने बहुत जरूरी है। ये साइकिल में जो ये ऑक्सीजन साइकिल है इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा रोल प्ले ये करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो प्लांट्स? ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो यूज है वो ओके है, लेकिन सबसे ज्यादा ह्यूमंस करवाता है कंबशन। ऑक्सीजन का यूज ज्यादा है और रिलीज का एक ही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपको बैलेंस बनाना है तो प्लांट्स भी प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। बाकी ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है, प्लस कंबशन। कंबशन मींस कोई चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्लस ऑक्साइड्स बना लेती है ऑक्सीजन, किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगी, किसी और चीज के साथ रिएक्ट कर लेगी। अब देखो एक और ओजोन की चीज, ऑक्सीजन की चीज है ओजोन, दैट इज O3। ओजोन बनने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन होता क्या है, डोंट वरी, ओजोन जो है वो अर्थ के बाहर एक लेयर है, ये अपनी अर्थ है और इसके बाहर रेड कलर वाली लेयर समझ लो कि ओजोन है। होता क्या है, जब अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर गिरती है सन की, तो ये ओजोन टूट के फिर से ऑक्सीजन दे देती है, तो यहां पर बैलेंस बना रहता है। कब तक बना रहेगा? अगर कुछ एक CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन आगे सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, तो ये वाला सिस्टम तो बना रहता है अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्टर्ब ना करे। अगर ये फ्लो टूटा, देखो ओजोन बहुत ज्यादा भी होगी ना तो भी अपने काम की नहीं, क्यों? वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज कर लेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पतली होगी वो भी अपने काम की नहीं, क्यों? अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ जाएगी अर्थ तक। पल्ले पड़ा मैं क्या कहना चाहता हूं? यस और नो? अब देखो, अब है कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किस में होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में यूज होती है और रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन दुनिया के सारे जानवर क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फोटोसिंथेसिस। तो चलो ये यहां पर आती है मेन बैलेंस की बात। जितनी रिलीज हो रही है उतना प्लांट्स यूज कर लेंगे तो इसका बैलेंस बना रहेगा। लेकिन ओरिजिनली होता क्या है, अपने आप भी देखा, ह्यूमंस क्या करते हैं, कंबशन बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब चीजों को जलाते हैं। जब चीजों को जलाते हैं तो क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब रिलीज ज्यादा हो रही है और यूज करने वाले कम है। अगर आप बैलेंस रखना चाहते हो तो आपको प्लांट्स को खाली पड़ेगी। देखो दो चीज के लिए प्लांट्स जरूरी है, एक तो ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने के लिए। अब होता क्या है, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, अब प्लांट्स को खाएगा कौन? एनिमल। ठीक है, अब एनिमल्स अपने अंदर कार्बन बहुत ज्यादा स्टोर है, दुनिया की सारी लिविंग थिंग्स के अंदर कार्बन स्टोर है। अब होगा क्या, अगर ये एनिमल्स मर गए और नीचे जमा होते जाएंगे तो ये दिन बन जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स। याद रखें फॉसिल फ्यूल्स के अंदर भी क्या है, कार्बन। कोयला भी क्या है, एक टाइप का कार्बन। प्लस जब ये एनिमल्स डिकम्पोज होकर सड़ रहे होंगे तो गैस रिलीज होगी मीथेन, इसके अंदर भी क्या है, स्टोर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बन गई कार्बन के फॉर्म में। याद है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं जाके कार्बन बन जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ने खाया तो कार्बोहाइड्रेट बन गई, ठीक है, ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज मैंने खाया, वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन बन के मेरे अंदर आ गई। अब ऐसे ही जमा रहता है, प्लस बहुत सारा कार्बन जमा रहता है सी के अंदर। वो शेल्स देखे, शंख वंख बसते हैं, वो सब कार्बन है। अब होता क्या है, स्लोली 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 जब ह्यूमंस इन फॉसिल फ्यूल्स को निकालता है जलाने के लिए, तो फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये ऐसे साइकिल बनी रहती है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अब हमें समझना है ग्लोबल वार्मिंग। अब हमें समझना है ग्लोबल वार्मिंग। देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ेगी। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड करती है हीट को एब्जॉर्ब। अगर सन से हीट आ रही है तो पहली बात है ये आने नहीं देगी, और अगर आ गई तो उसको जाने नहीं देगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो अगर आने के बाद ये जाने नहीं देगी सारी की सारी हीट, तो हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी,
मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिस वजह से क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज होने लगेगा। टेम्परेचर राइज होने लगेगा। टेम्परेचर क्यों राइज होता है, इन गैसेस की वजह से। कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी गैसेस को अपने कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों, क्योंकि ये सारी गैसेस क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है, रोक के रखती है। हीट को रोक के रखना जरूरी है, क्यों, कुछ मिनिमम लेवल की हीट चाहिए जाने के लिए। लेकिन अगर वो हीट जरूरत से ज्यादा मोर ज्यादा स्टोर हो गई तो हमारे नुकसानदायक है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो याद रखना जो अपने अर्थ पे पोल्स है, अर्थ पे जो पोल्स है उनके ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे जिस वजह से समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, बहुत सारे जो शहर हैं वो डूब जाएंगे और प्लस बहुत सारी नदियों में आ जाएगी बाढ़। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? तो ये जो गैसेज है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये जो भी अपने चार साइकिल पड़ी, इनका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर इनका बैलेंस टूटा तो लिविंग थिंग्स का सर्वाइवल हो जाएगा मुश्किल। जैसे देखो गैसेस, देखो एटमॉस्फेयर अपने यहां पर है, एटमॉस्फेयर दूसरे प्लैनेट्स पे भी है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स पे लिविंग थिंग्स पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों, यहां पर गैसेस का बैलेंस बना हुआ है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। वहां पर कुछ एक जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड 96% है कुछ एक प्लैनेट्स पे, तो वो टेम्परेचर जो प्लेनेट्स उनका टेम्परेचर 500 500 हजार हजार डिग्री चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? बाकी गैसेस भी है लेकिन वह गैसेस और ये साइकिल का बैलेंस नहीं है। समझ में आ गया?